सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में मिल्कीपुर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का उपचुनाव उनके अपने सर्वे में बीजेपी के लोग हार रहे थे। इंटरनल सर्वे में बीजेपी को यह पता चल गया था कि वह मिल्कीपुर में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वहां के चुनाव को टाल दिया गया। मुख्यमंत्री खुद कई बार वहां गए, प्रशासन के लोगों से रिपोर्ट ली तो उनको पता चला कि वह मिल्कीपुर में चुनाव हार रहे हैं। अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं जिससे वहां चुनाव हो जाए। अगर दो दिनों में वहां काम नहीं कर पाए तो वहां चुनाव नहीं हो पाएगा। इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं जिससे कि चुनाव वहाँ हो जाए। अगर दो दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है कम से कम दो दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। आने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे पर भी अखिलेश ने बयान दिया। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे दो विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में भी यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा कि क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी वहाँ क्या क्या हो रहा है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है। जिस तरीके से नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी की थी, वाल्मीकि समाज को जो सुविधा और सम्मान मिलना चाहिए, जब समाजवादी लोग सरकार में आएंगे तो उन्हें सम्मान देने का हम काम करेंगे। ये बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है। अन्याय